नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम पे। तो PCOD में आपको क्या करना चाहिए, आज के में जो थोड़े से आसन बता रहे हैं आप इनको अपनी ज़िंदगी में अपना लें। अगर आप कुछ और भी कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ और दूसरा तरीके का वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी ठीक है, पर आप इन आसनों को ज़रूर करें। सबसे पहले हम एक छोटे से वार्म अप के साथ शुरू करेंगे। अपने आप पैर को आगे फैलाएं। आसन के पहले वार्म अप ज़रूरी है, वो कोई भी वार्म अप हो सकता है। अपने हाथ को आप जोड़ें और हम चक्की चालन आसन करेंगे। इससे हम अपने रिप्रोडक्टिव एरिया को भी थोड़ा सा मसाज कर रहे हैं, बस गोल गोल घुमाएं। इससे हल्का सा वार्म अप होता है हमारी स्पाइन का, हमारी लेग्स का दूसरी दिशा में, बॉडी में जो स्टिफनेस है थोड़ी सी कम होती है। इसको आप लंबे समय तक कर सकते हैं, 5-6 मिनट तक। और फिर यहाँ हम अपने हाथ साइड टू साइड, और जैसे हम एक नाव पे बैठे हुए हैं तो हम ये वाला आसन करते हैं। सांस के साथ आप करिए इसको, तो ये हमारी पूरी बॉडी को वार्म अप कर रहा है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये बैलेंस कर रहा है। PCOD में काफ़ी समय हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो जितने भी हमारे फीमेल हॉर्मोन्स हैं, अगर हम उनको अच्छे से बैलेंस करेंगे तो ये पीड़ा हमारी लाइफ से निकल सकती है। फिर आप आराम से आप पीठ पे लेट जाएं। हम अब तैयार हो रहे हैं सर्वांग आसन के अभ्यास के लिए। थोड़ा सा मुश्किल आसन है, पर ये इतना अच्छा फ़ायदेमंद आसन है कि हम इसको करेंगे। मैं आपको एक इसके साथ एक दूसरा आसन भी दूंगी। अगर सर्वांग आसन बहुत मुश्किल है तो आप दूसरा आसन कर सकते हैं, पर सर्वांग आसन इतना अच्छा आसन है आपके हॉर्मोनल सिस्टम के लिए, आपके सर्कुलेशन के लिए, कि ये आप ज़रूर कोशिश करें अगर आपको PCOD है। यहाँ से आप अपने हिप्स को ऊपर ले आएं और अपने पैर को ऊपर, अपने हाथ से अपने कमर को सपोर्ट करें, अपने टोस को रिलैक्स करें, और यहाँ से आप अपने घुटने भी नीचे ला सकते हैं और अपने एल्बोस को और ज़्यादा पास और अपने लेग्स को ऊपर ले आएं। और यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करें, जो आपके थ्रोट में प्रेशर पड़ रहा है, आपके थायराइड ग्लैंड्स और आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये बहुत एक अच्छा बेनिफिट देगा आपके बॉडी को, आपके हार्मोनल सिस्टम को। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो आप विपरीत करनी कर सकते हैं, उसका मतलब आप बस इतना आ जाएं, अपने हिप्स को सपोर्ट करें आपके हाथ के साथ। ये बहुत एक अच्छी मुद्रा है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं कि जितने भी आपके सिर के सफ़ेद बाल होते हैं ये इसको हटा देता है, और फेस के रिंकल्स को भी ये हटा देता है अगर हम इसका रोज अभ्यास करें विपरीत करने का। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अगर आपके लिए ये दोनों मुश्किल हैं तो आप अभी के लिए अपने बस लेग्स को ऊपर करें, ये भी सर्कुलेशन के साथ मदद करेगा और आपके एब्डोमिनल्स को स्ट्रेंथ देगा, और जब आपके एब्डोमिनल स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप इन दोनों आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने घुटने छाती की ओर अच्छे से इनको हग करें, पवन मुक्त आसन। आपकी ठुड्डी छाती की ओर और लंबा गहरा सांस दें। बस ये ध्यान रखना है कि सर्वांग आसन आप अपने पीरियड्स के टाइम पे नहीं करें। हम पीरियड्स के टाइम पे इन्वर्जन्स योग में नहीं करते हैं, हम उल्टा नहीं होते हैं। अगर आपको एक बहुत बड़ी शोल्डर या नेक प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करें, या ज़्यादा हाई BP है तो अवॉइड करें, या तो ये बहुत ही अच्छे आसन हैं आपके हार्मोनल सिस्टम के लिए। अब हम यहीं से ही हलासन में आएंगे, अपने दोनों पैर पीछे और हाथ आगे।
ये भी हम अपना वही थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड पे हम काम कर रहे हैं। आपके हाथ आप अच्छे से पीछे से खींचिए और जोड़िए। अगर पैर नहीं नीचे आते हैं, अपने आप कमर को सपोर्ट करते रहें और यहाँ पे लंबा गहरा सांस और होल्ड। आप ये ध्यान रखें कि जितने लंबे समय के लिए हम आसन करते हैं उतना ही लाभदायक। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने समय तक आसन करना चाहिए, मैं बोलती हूँ आप मैक्सिमम करिए, जितने भी समय आपसे हो पाए आप करिए और धीरे धीरे आप इसमें टाइम बढ़ाइए। पर आप ये कोशिश करें कि हर एक आसन हम 30 सेकंड के लिए मिनिमम तो होल्ड करते ही रहें। यहाँ पे घुटने बिल्कुल सीधे, और अगर आप योग के अभ्यासी हैं तो एक थोड़ा सा वेरिएशन ले सकते हैं, दोनों पैरों को सीधे और यहाँ पे होल्ड, फिर वापस और लेफ्ट साइड और होल्ड। तो थोड़ा सा आप इसी आसन में वेरिएशंस कर सकते हैं और वापस, और फिर आप अपने घुटने कान के पास गर्भ पिंड आसना और अपने हाथ आप कान के पास। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, अगर ये इन लोगों के लिए है जो योग का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, जो या तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आसन जो एडवांस्ड उनको सीखना चाहते हैं। गर्भ पिंड आसना ये भी बहुत ही अच्छा आसन है आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम के लिए। मुझको लगता है ये बहुत ही अच्छा सुंदर फेमिनिन आसन है गर्भ पिंड आसना। लंबी गहरी सांस अंदर और आराम से आप यहाँ से नीचे आ जाइए अपने घुटने छाती की ओर और अपना सिर आप साइड टू साइड, अगर आपके नेक में कोई भी अड़चन है इसको यहाँ से आप निकालिए और यहीं से आनंद बालासन, लेग्स को ऊपर, अपने पैरों को अंदर से पकड़ें, अपने पैरों को फैलाएं और थोड़ा सा पुश करें। ये आपके पूरे जो आपका पेल्विस एरिया, इसको पूरा यहाँ खोल रहा है, जो एनर्जी ट्रैप्ड है हमारे पेल्विस में, जो हमको रिप्रोडक्टिव इश्यूज दे रही है, हम उस एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि योग के फिलॉसफी में जो हमारे बॉडी का प्राण है, जो एनर्जी है, जब वो ट्रैप हो जाती है तो उसी टाइम जो डिजीज़ है वो बॉडी में हो जाती है। तो अनंत बाल आसन में आप थोड़े समय के लिए रेस्ट और रिलैक्स करें और जो वो फंसी हुई एनर्जी है आप उसको ये विजुलाइज करें कि ये पूरी फ्रीली फ्लो हो रही है आपके बॉडी में। फिर आप आराम से अपने लेग्स को छाती की ओर, आप दोनों आप पैरों को अपने आगे ले आइए और अपने हाथ को साइड में, और यहाँ हम सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। तो पहले आप बस अपना पेल्विक एरिया ऊपर और नीचे थोड़ा सा ले आएं, बस इतना ही। आपका लोअर बैक जमीन पे, बस पेल्विस ऊपर और नीचे, और यहीं से पेल्विस को ऊपर करें और पूरा आप ऊपर ले आएं। हम आप ये कोशिश करिए कि पूरे आप अपने हिप्स को ऊपर ले जा रहे हैं सेतु बंद आसन का अभ्यास। आप यहाँ से अपने एंकल्स को भी पकड़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा आसन में एडवांस होना है, और पूरे हिप्स ऊपर, ठुड्डी छाती की ओर, लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर, और पूरा ऊपर खींचिए अपने शरीर को और आराम से नीचे। इसको आप 3 से लेकर 5 बार कर सकते हैं, घुटने छाती की ओर, अब सीधे और आ जाएं और आराम से ऊपर बैठ जाएं। अगर आप PCOD से सफ़र कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, मिठाई, जो भी आप खा रहे हो, छाछ, उसको आप सब निकाल दें। थोड़े समय के लिए आपको सब निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात है कि जो आजकल का दूध आ रहा है हमको मालूम नहीं कि कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर आपके पास अपनी खुद की गाय हो
तो फिर तो आप डेयरी ले सकते हैं, परंतु ये आज की सिचुएशन नहीं है। हम लोगों के पास अपनी खुद की गाय नहीं होती है। अगर है तो आप बहुत लकी है, पर अगर आपके पास नहीं है तो फिर ठीक है, आप डेयरी को थोड़े समय के लिए बिल्कुल ना खाएं। इसी छोटे से चेंज के साथ बहुत बड़े बड़े अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। मीट नॉन वेज तो बिल्कुल ही आपको बंद करना है, क्योंकि उस मीट और नॉन वेज में भी इतने सारे हॉर्मोन्स होते हैं, इतने सारे केमिकल्स होते हैं, और जो PCOD का पेशेंट होता है उसके लिए वो सब बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। तो थोड़े समय के लिए जितना भी डेयरी है, जितना भी नॉन वेज है, आपको बंद करना है। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको डेफिनेट चेंजेस आपको अपने बॉडी में और आपके अपने माइंड में आपको दिखेंगे। मेरी ये उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, और जो आज के आसन हैं और जो आपके टिप्स हैं आपको अपनी ज़िंदगी में मदद करेंगे। मैं हूँ ईरा त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले बार एक नए एपिसोड के साथ।